डजन का, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 डजन कोई भी चीज़ है, 1 डजन एग्स है, तो 12 एग्स होंगे। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 डजन चेयर्स हैं, तो 12 चेयर्स होंगी। इसी तरह जैसे कि डजन चीज़ों को क्वांटिफाई करता है एनीथिंग इनटू 12 यूनिट्स, इसी तरह मोल्स भी एक यूनिट है डजन की तरह, जो चीज़ों को क्वांटिफाई करता है थोड़ा सा बड़े नंबर में। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल एग्स हैं, तो वो हो जाएंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 एग्स। अब ये 6.02 भी लिख सकते हो, और ओ लेवल में इस नंबर को 6 एक्सपोनेंट 23 भी अलाउ करता है, तो हम लोग यूजुअली 6 एक्सपोनेंट 23 लेके चलेंगे। अब जैसे अगर ये इतना बड़ा नंबर है, तो ये नंबर हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, मोल्स का डजन यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, सच एज एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की और आइंस की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए उसके लिए फिर हम लोग मोल यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स हैं, तो उसमें कितने सोडियम एटम्स आ जाएंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स हैं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स में मेरे पास कितने एटम्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम्स। अच्छा, दूसरी बात ये कि पीरियोडिक टेबल में जब भी एलिमेंट्स गिवेन होते हैं, तो उसके साथ उसका रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है। जैसे सोडियम का 23 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, तो इसके साथ जो हम यूनिट यूज करते हैं, वैसे तो ये हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, लेकिन इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। देखो, इस नंबर को हम लोग ने 3 नाम से ये नाम पढ़ा है, मास नंबर, या इसको न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, या इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहा जाता है। जब इसको मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर इसको कहते हैं ना स्पेशली, तो इसका क्या मतलब होता है? दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और जब इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसी नंबर के साथ ये जो भी वैल्यू लिखी हुई है, इसके साथ हम ग्राम्स लगा देते हैं, तो ये 40 ग्राम्स हो जाएगा सोडियम के लिए, 23 ग्राम्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये किस चीज़ के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम के मास को, और 40 रिप्रेजेंट कर रहा है 40 ग्राम 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स के मास को। मतलब ये एक एटम का मास नहीं होता है, ये मास होता है 1 मोल ऑफ एटम्स का। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स हैं, तो उनका जो कम्बाइंड मास होगा वो उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होगा, जिसको हम AR से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास भी जिसको हम कहते हैं यूजुअली। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स में 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स होंगे, और इन सारे एटम्स का जो मिला के मास बनेगा, वो बनेगा 23 ग्राम, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। इसी तरह 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स में कितने कैल्शियम एटम्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23, और उसका जो मास बनेगा वो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, यानी कि 40 ग्राम्स। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक मास बैलेंस है, इस मास बैलेंस में मैंने एक बीकर रखा, और इस बीकर के अंदर मैंने सोडियम एटम्स डालना शुरू करे, डालते डालते मैंने इसमें टोटल 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स ऐड कर दिए इस बीकर के अंदर, तो इन इतने सारे सोडियम एटम्स का जो कम्बाइंड मास होगा, उसको हम कहेंगे 23 ग्राम्स, और वो उसका एटॉमिक मास है। तो वो जो एटॉमिक मासेस आपको गिवन होते हैं, वो किस कभी भी हमेशा किसी एक एटम ऑफ सोडियम का या एक एटम ऑफ कैल्शियम का मास नहीं होता, बल्कि वो टोटल 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स के मास होते हैं। अब ये नंबर इतना बड़ा है, इस नंबर को साथ लेके चलना कैलकुलेटर में या इवन कंप्यूटर में भी बहुत मुश्किल होता है कंप्यूटेशन करने के लिए, इसलिए इस नंबर को छोटा नंबर बना के यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। तो हमने इस पूरे नंबर को जो वैल्यू दी है, वो दी है 1 मोल की। तो 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स को हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स हैं। क्लियर हुई ये बात? इसी तरह मोल, देखो, सिंपल एक यूनिट है जो कि चीज़ों को क्वांटिफाई कर रहा है एनीथिंग इनटू 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स। अब मोल आप किसी भी चीज़ के साथ लगा दो, वो चीज़ों को 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स में क्वांटिफाई कर देगा। अगर आप कहो कि मेरे पास 1 मोल ऑफ चेयर्स हैं, तो वो कितनी चेयर्स हो जाएंगी? 6 एक्सपोनेंट 23 चेयर्स।
लेकिन ये नंबर इतना बड़ा है कि इतने तो दुनिया में लोग भी नहीं है, तो हम इतनी सारी चेयर्स का क्या करेंगे। इसलिए मोल्स को हम लोग यूज उन्हीं चीजों के लिए करते हैं जो कि वाकई इतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट में हो, तो चेयर्स के लिए हमने इसको यूज नहीं करना डेली लाइफ में। अच्छा, जिसकी फिलहाल ये क्लास तो हम आज की 4:30 एंड कर देंगे। कल की जो हमारी क्लास होगी ना 3:30 से 4:30 वाली, वो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, क्लास को 2 घंटे की क्लास करेंगे। तो होपफुली कल किसी का कोई क्लैश नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे क्लासेस वैसे यूजुअली होती नहीं है फ्राइडे को। अच्छा, मोल को मैं किसी भी चीज के लिए यूज कर सकता हूँ, तो मोल्स को सिर्फ एटम्स के लिए नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को एक पूरा यूनिट हम काउंट करेंगे, मतलब 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर होंगे। और जब मैं मास बैलेंस पे इस बीकर को रखूं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डालना स्टार्ट करूं, तो मैं डालते डालते कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डाल दूं इसमें, 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब मैं इसमें डाल दूंगा, तो इस मास बैलेंस पे जो मास रजिस्टर्ड होगा वो होगा 44 ग्राम, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है, जिसको हम MR कहते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, तो 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का टोटल मास बनेगा इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें पता है कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 12, और एक कार्बन एटम है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में तो 12 × 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और 2 ऑक्सीजन एटम है तो 16 × 2, तो ये टोटल बन जाता है 44 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का जो कंबाइंड मास होगा वो इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट इज 44 ग्राम्स, जो इसका MR भी हम इसको कहते हैं। तो अगर मैं इस चीज को समराइज करूं, तो मोल जो है वो एटम्स के साथ भी यूज हो रहा है, मॉलिक्यूल के साथ भी यूज हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स हैं, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स का मतलब मेरे पास 6 एक्सपोनेंट 23 मैग्नीशियम एटम्स हैं, और इनका जो कंबाइंड मास है वो इनके एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम डेट इज 24 ग्राम के बराबर है। इसी तरह अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, तो जैसे मेरे पास 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स में मेरे पास टोटल 6 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स होंगे, और उनका जो कंबाइंड मास होगा वो इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, जो कि 17 ग्राम्स होता है। सही है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा उंजिला, आपका जो क्या लेक्चर, आपको जरा क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको बता दूंगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर किस तरह से एक्सेस करना है। इब्राहिम क्या पूछ रहे हो? देखो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका ये होता है, जैसे कि अमोनिया है NH3, तो इसमें एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो मैं करूंगा 14 × 1 नाइट्रोजन, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और 3 हाइड्रोजन के एटम्स है, तो टोटल बन जाएगा 17 ग्राम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, इसका अगर मैं आपको MR निकालने के लिए बोलूं, तो सोडियम होता है 23, और सोडियम का 1 लिखा हुआ है सोडियम के साथ तो मल्टीप्लाई बाय 1, और क्लोरीन है 35.5। कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो उसका मतलब होता है कि 1 है। सही है, क्लियर है इब्राहिम? अच्छा दूसरी बात ये कि हम लोगों के पास एक और चीज है जिसको हम कहते हैं कि जो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा 1 मोल ऑफ एनी गैस, चाहे कोई भी गैस हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ गैस, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो ऑक्यूपाई करेगा 24 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। RTP का देखो क्या मतलब है, RTP इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर।
अब ये हमारी जो नॉर्मल रूम की कंडीशंस होती है ना, जिसपे टेम्परेचर जो है वो यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो इन रूम कंडीशंस पे 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑलवेज ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो वॉल्यूम होगा RTP पे वो होगा 24 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर मेरे पास कोई और गैस है, लेट से 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस है, 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस का भी जो वॉल्यूम होगा रूम टेम्परेचर पे वो होगा 24 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस का भी वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, इनके 1 मोल के अगर मैं मासेज निकालूं तो वो डिफरेंट होंगे, लेकिन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इनका सेम होगा। जैसे मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, तो अभी आपने देखा कि 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल हैज अ मास इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 17 ग्राम, और सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकलता है 32 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड तो सेम है, लेकिन देखो मासेस डिफरेंट है। इसी तरह 1 मोल कोई भी गैस है 1 मोल की, या कोई भी चीज़ है 1 मोल की, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। अगर मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, तो आप क्या कहोगे, 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह 1 मोल ऑफ अमोनिया में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स होंगे। सिमिलरली 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6 एक्सपोनेंट 23 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ आई यहाँ तक बात, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। बसीर, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, अभी वही तो सिखाया। मॉलिक्यूलर मास, कोई अगर तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखो, प्रोडक्ट टेबल से 1 होता है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स इस फॉर्मूले में दिख रहे हैं, 2 लगा हुआ है ना इसके साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। सल्फर का एटॉमिक मास प्रोडक्ट टेबल से देखो तो वो होता है 32। सल्फर के कितने एटम दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दोगे। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 4 लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे। इस तरह से निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, सारे एटॉमिक मासेस को ऐड कर दोगे सारे एलिमेंट्स के जो कि उस फॉर्मूले में हैं, तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और उसके साथ हम ग्राम्स का यूनिट यूज करते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, अगर तो आप एटम की बात कर रहे हो, या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास, अगर आप किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास लेट्स से 115 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट में सारे के सारे एटम्स जो हैं वो सोडियम के होंगे ऑफकोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 150 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट के मोल्स कितने हैं, वो आप कैसे निकालोगे। अभी डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो कि क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स मास, अब सोडियम एटम की बात कर रहे हैं ना, तो उसका एटॉमिक मास लोगे, क्योंकि सोडियम एलिमेंट उसमें से सोडियम एटम्स हैं, मॉलिक्यूल तो नहीं है, तो आप एटॉमिक मास लोगे सोडियम का। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास दिया हुआ है 115, और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मोल्स ऑफ सोडियम। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपने निकालना है क्या कहते हैं, 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है मेरे पास, अब कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, तो इसके अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कहा जाएगा, तो इसके मोल्स आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आप ऑलरेडी निकाल चुके हो पहले भी, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 2 × 16 44 ग्राम्स आता ही है। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मास इस जो गिवन है वो 132 है, ये भी ग्राम्स में होना चाहिए, अगर ये किसी और यूनिट में दिया हुआ है तो ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे, इसीलिए इस फॉर्मूले में ऊपर ही हम लिख देते हैं कि मास शुड बी इन ग्राम्स।
और इसका मॉलिक्यूलर मास है 44, तो 132 डिवाइड बाय 44 करोगे तो ये आ जाएंगे आपके पास 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास आता कहाँ से है? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मेरे पास सोडियम है, इसका मास नंबर 23 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स का मास है, जिसको हम एटॉमिक मास भी कह रहे हैं। तो किसी भी एटम का जो 1 मोल का मास होगा वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, राइट, जिसको हम AR कहते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास n नंबर ऑफ मोल है, अननोन नंबर ऑफ मोल है, तो उसका मास कितना होगा, जो कि ग्राम्स में आपको बताना है, क्योंकि एटॉमिक मास भी आपका ग्राम्स में होता है। तो ये हमारे पास रेशियो मेथड बनता है। रेशियो मेथड वही वाला मेथड, अगर किसी को ये नहीं पता रेशियो मेथड क्या होता है तो आप पढ़ चुके हो, मैं बता देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ, याद आ जाएगा कि आपको अगर बोला जाए कि एक टॉफी जो है वो 5 रुपए की है, और अगर मेरे पास 350 रुपीज है तो मैं कितनी टॉफीज बाय कर सकता हूँ। तो रुपीज के नीचे रुपीज लिखा, टॉफीज के नीचे टॉफीज लिखा, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 × 350 = x × 5, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, डेट वुड बी 350/5। सही है बसीर, क्या कह रहे हो, क्या दोबारा बताऊं? इसी तरह यहाँ पे अगर 1 मोल किसी भी एटम के एटॉमिक मास के बराबर है तो n नंबर ऑफ मोल में कितना मास होगा, तो ये फॉर्मूला हमने बेसिकली इसी से बनाया है। मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 × mass in g is = n × atomic mass, तो नंबर ऑफ मोल क्या बन जाएगा, फॉर्मूला मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। देखो ये आप इस क्लास में जो आप लोग अक्टूबर नवंबर वाले या मई जून वाले हो, उनके लिए यह है कि आपकी क्लासेस जो है वो थोड़ी डिफरेंट टाइम पे अभी स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से। फिलहाल आप इसी क्लास में अगर सुन रहे हो तो ये हम बहुत फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमसे रिवाइज कर रहे हैं जुलाई सेशन के लिए। तो अगर कोई अक्टूबर नवंबर वाला या मई जून वाला है जिसको समझ नहीं आ रही है, तो आपकी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट होंगी अभी इस कमिंग वीक से, तो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा दोबारा से ये सब स्लो स्लो। बस ही तुम पूछ रहे हो ये, अच्छा बसीर, इसमें देखो क्या करा है, 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पूछे थे। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल ना, तो मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अभी तुमने निकाला 44 ग्राम, और उसका मास गिवन है 132 ग्राम, तो हमने क्या किया 132 / 44, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मास अपॉन MR। देखो जो अक्टूबर नवंबर और मई जून की क्लासेस होंगी वो फिजिकल भी होंगी और ऑनलाइन भी होंगी, तो जो लोग फिजिकल आना चाहते हैं, वैसे तो बेस्ट ये है कि आप फिजिकल ही आओ, और ऑनलाइन जो है वो सपोर्ट क्लास लिया करो आप लोग। ठीक है, तो वो ऑनलाइन भी होनी है और फिजिकल भी होनी है उनजिला, ठीक है, तो आपको टाइमिंग्स भी अपडेट कर दिए जाएंगे, आपके ग्रुप्स भी अलग कर दिए जाएंगे। ओके जी, अच्छा देखो ये जो सारी बातें हमने पढ़ी हैं, अगर इस चीज को हम समराइज करें एक लाइन के अंदर, तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम का मास उनके एटॉमिक मास के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मोल ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल का मास उनके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अगर इन दोनों चीजों को मैं एक साथ मिला के लिखना चाहूँ तो मैं यूं लिख देता हूँ, 1 मोल ऑफ एनी एटम एज अ मास इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास, एंड 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल एज अ मास इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, और 1 मोल ऑफ एनी एटम हैज 6 × 23 एटम्स, अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं, बट इफ आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, एंड 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव 6 × 23 मॉलिक्यूल्स, and 1 mole of any ions will have 6 × 23 ions. ये ions की क्या कहानी है? For example, अगर तुम्हें पता है H2SO4 is an acid, अगर इसको आप water में डालो तो वो dissociate होता है to give 2 mole of H positive ion and 1 mole of SO4 2 negative ion. अब ये 2 mole कहाँ से आया? इसमें देखो formula में यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे इसलिए 2 mole of H positive ion आएगा, और sulfate के साथ यहाँ पे 1 है,
इसलिए यहाँ पे वन आएगा, वन हम लिखते नहीं है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ होता है ना इक्वेशन में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ पहले, तो ये मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डालते हो तो उसमें से हमें 2 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन निकलता है और 1 मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन यानी सल्फेट आयन निकलते हैं। तो मोल जो है वो एटम्स के लिए भी यूज होता है, मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज होता है और आयन्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ एनी एटम एज अ मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास, अगर मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ, अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और नंबर की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ एनी एटम एज 6 एक्सपोनेंट 23 एटम, तो 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल एज 6 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल। अगर मैं बात करूं कि मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आइंस है तो कितने एच पॉजिटिव आइंस हो जाएंगे, 6 एक्सपोनेंट 23 एच पॉजिटिव आइंस। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आइन है तो सिंपल इसका डबल कर दोगे, 2 × 6 एक्सपोनेंट 23 एच पॉजिटिव आइंस। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1.5 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आइंस है तो कुछ नहीं करोगे, इसी नंबर को 1.5 × 6 एक्सपोनेंट 23 एच पॉजिटिव आइंस कर दोगे। अच्छा, अब अगर सिर्फ गैसेस की बात की जाए तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑलवेज ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब, तो मैं साथ ये भी लिख देता हूँ, लेकिन ये याद रखना कि ये सिर्फ गैस के लिए बात हो रही है और वो भी सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो क्वेश्चन में आपको लिख के देगा कि RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैस की बात हो रही है। अच्छा, एक कन्वर्जन भी याद रखना कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो अगर 24 डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो वो होगा 24000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो चाहो तो इसके साथ ये भी लिख लो 24000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यूजली क्वेश्चन में वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में दी जाती है या डेसीमीटर क्यूब में दी जाती है, तो यूनिट यूनिफॉर्मिटी रखना जरूरी है जब आप कैलकुलेट करोगे। तो सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना, डेसीमीटर क्यूब है तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। देखो ये जो लाइन है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन अगर आपको अभी मेरे साथ समझ आ जाए और इसको एग्जीक्यूट करना आ जाए क्वेश्चंस में, तो फिर आपको कोई फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा मोल्स में, बस यही लाइन काफी है। मतलब समझ लो कि मोल्स यहाँ से शुरू होगा इस लाइन से और इसी लाइन पर खत्म हो जाएगा। ज्यादा में ज्यादा अगर आपने फॉर्मूला याद भी करना है तो वो नंबर ऑफ मोल्स वाला याद कर लो, लेकिन वो भी हमने देखा कि रेशियो मेथड से बन रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको याद कर लो तो अच्छी बात है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास, अगर मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम ओवर मॉलिकुलर मास अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। तो इब्राहिम, ये AR और MR जो होता है ना, AR मतलब एटॉमिक मास, जो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का होता है, जैसे कि सोडियम है, इसका एटॉमिक मास 23 है, लेकिन जब सोडियम क्लोराइड की बात करोगे तो ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन गया है। तो इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, इसमें एक सोडियम है 23 और एक क्लोरीन है 35.5, तो इस पूरे का जो मास होगा ना सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मिला के, वो उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, जिसको हम MR कहते हैं। समझ आई बात? पूछना है किसी को कुछ? अच्छा देखो, अपना क्या कहते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो 1 मोल का मास किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो आपने सिंपल इसमें मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं। अगर मैं क्या कहते हैं ये इसको फॉर्मूला लगा लूं तो नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड लिखा है तो मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालोगे
तो कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन है तो 2 × 16 यानी 44 ग्राम। अब 1 मोल के लिए कह रहा है तो एन की जगह पे आप 1 रखोगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 44, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 44 ही रहेगा ना। तो 1 मोल का मास, क्योंकि हमारी बात हो गई है, वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में इनका से मॉलिक्यूलर मास निकाल के देना है। ठीक है, आसान सी चीज है, सही है, बस ही मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग इसकी। अच्छा, क्वेश्चन 2 कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब 3.5 मोल कह रहा है, तो अब इसमें कंपाउंड पहले दिया हुआ है HCl, HCl का पहले तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, एक ही हाइड्रोजन एटम है, और क्लोरीन का होता है 35.5, एक ही क्लोरीन एटम है, मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 36.5। अब नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल को कह रहे हैं 3.5 मोल्स का आप मास निकाल के बताओ, तो मास आपने निकालना है, मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया है HCl का जो कि है 36.5, तो इसका मास कितना आ जाएगा 3.5 × 36.5। सही है, यहाँ तक बात समझ आई। ये हो जाएगा हमारे पास 127.75 grams। क्वेश्चन 3 है हाउ मेनी मोल्स आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको मास दिया हुआ है, आपने मोल्स निकालना है, तो कार्बन एटम्स की बात कर रहे हैं ना, तो आप फॉर्मूले में क्या लिखोगे, मास ओवर एटॉमिक मास। मास आपको गिवन है, एटॉमिक मास आप पीरियोडिक टेबल से देख लोगे कार्बन का होता है 12, that's how you can find the number of mole, that is 36 over 12 which is 3 mole। ठीक है, आसान सा काम है। अब पार्ट सी में कह रहा है 80 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। अब ये अमोनिया एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, और मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद ये फॉर्मूला लगा दोगे मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास आपको गिवन है 80 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया आप खुद से निकालोगे, अभी बहुत बार निकाला है, नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन होता है 1, 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 17 ग्राम, दैट वुड बी 80/17, ये आ जाएगा हमारे पास 4.7 मोल। सही है, देखो कुछ पूछना है तो पूछ लो, थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि बहुत बार पढ़ा हुआ है मोल, हम असल में पेपर 1 के क्वेश्चन की तरफ जल्द से जल्द जाना चाह रहे हैं, तो कल जो है हम पेपर 1 के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे इसके, ताकि हमें आइडिया हो जाए। देखो मोल्स अगर किसी को नहीं भी आता है ना, तो उसके लिए एक ट्रिक ये है कि हम मोल्स के क्वेश्चंस इतने ज्यादा करेंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना क्या होगा, वैसा क्वेश्चन आएगा तो करना है क्या होगा। तो पेपर 1 का पेपर तो निकाल लोगे मोल्स से, पेपर 1 में 3-4 मैक्सिमम अगर मोल्स के क्वेश्चन रिलेटेड आए तो 4 आ जाएंगे या 3 आ जाएंगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने क्रैक कर लेना है कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना होगा। मोल्स की आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मोल्स की टेंशन इसलिए होती है क्योंकि पेपर 2 और पेपर 4 में आके वो फंसता है, पेपर 4 में स्पेशली टाइट्रेशन का क्वेश्चन फंस जाता है अगर आपको मोल्स ना आता, तो पेपर 1 तो आपका निकल जाएगा क्योंकि MCQs ज्यादा तो नहीं फंसेंगे, और जो आएंगे उसमें से आप 1-2 तो सही फिर भी निकाल लोगे जब आपको टेक्निक बताई जाएगी कि ऐसा क्वेश्चन हो तो ये कर लेना है, वैसा क्वेश्चन हो तो ये कर लेना। लेकिन याद रखना मोल जो है वो ए लेवल में, ए लेवल के दोनों सालों में मोल्स भर भर के है, तो मोल्स तुम्हें सीखना तो है, आज नहीं तो कल। सही, अच्छा आगे कह रहा है क्वेश्चन 5 में फाइंड आउट द मास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 0.5 मोल्स ऑफ सिलिकॉन एटम्स। मास निकालने के लिए कह रहा है, एटम्स की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एटॉमिक मास। मोल्स दिए हुए इस बार 0.5 मोल, मास आपसे पूछ रहा है, एटॉमिक मास आपने जो है वो प्रोडक्ट टेबल से देख लेना है, और यहाँ पे एटॉमिक मास लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो आपके पास मास आ जाएगा। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे कह रहा है पार्ट बी में 3.5 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। देखो जो क्लोरीन गैस होती है ना वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो Cl मत ले लेना सिर्फ, मतलब क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस इज अ मॉलिक्यूल, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा 2 × 35.5 जो कि 71 ग्राम्स बनता है। तो आप जो फॉर्मूला यूज करोगे नंबर ऑफ मोल मास ओवर MR वाला यूज करोगे, नंबर ऑफ मोल 3.5 है, मास आपको निकालना है, और क्लोरीन गैस का Cl2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 71 ग्राम, तो
तो इससे फिर आप जो है वो इसका मास निकाल लोगे। समझ आई ये वाला क्वेश्चन? तो ये आ जाएगा 248.5 ग्राम्स। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड अगेन इज अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल, और इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। अब फॉर्मूला क्या आपको याद करना है? देखो केमिस्ट्री आखिर तक पढ़ी तो है ना तुमने मेरे साथ, तो फॉर्मूला आपको बहुत सारी चीजों के फॉर्मूले, जैसे क्लोरीन गैस है उसका फॉर्मूला Cl2 है, वो पता होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है उसका फॉर्मूला याद करवाया जाएगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने जब चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट किए थे तो कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करवाए गए थे बकायदा, जैसे कि अमोनिया का फॉर्मूला आप कॉन्टेक्ट हेबर प्रोसेस में याद हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी बार यूज हुई है उसका फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको बकायदा याद करवाए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन 5 में कह रहा है 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स बताना है। अब अमोनिया गैस होता है NH3, क्लोरीन गैस होता है Cl2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है SO2, ऑक्सीजन गैस होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है CO2, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है CO। तो पहले फॉर्मूला सबके आपको पता होने चाहिए। सिर्फ ये कॉमन कॉमन फॉर्मूलाज हैं जो कि बार बार आते हैं, और हर चैप्टर में कोई एक नया फॉर्मूला तुम्हें याद जरूर हो रहा होता है। सही है? ऐसे पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो वहां पे क्लोरीन याद हुआ हुआ होगा, एयर एंड एटमोसफेयर पढ़ोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हेबर प्रोसेस पढ़ोगे तो अमोनिया। और वैसे भी जब तक हम इन चैप्टर्स पे पहुंचते हैं तब तक हमें ये सारे याद हो चुके हुए होते हैं। अब क्वेश्चन पार्ट ए ये है 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस के जो है वो नंबर ऑफ मोल्स बताना है। तो देखो इसको करने का आसान तरीका क्या है कि आपने या तो डायरेक्ट पहले मोल्स निकालने के लिए, वो लाइन तुम्हें याद है जो मैंने अभी लिखवाई है कि 1 मोल ऑफ एनी एटम एज अ मास इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल एज अ मास इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, और 1 मोल है 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स अगर हम एटम्स की बात करें, और अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स, अगर आयंस की बात करें तो आयंस, और 1 मोल ऑफ एनी गैस आरटीपी ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब, या अगर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है तो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब कहलाएगा वो। तो इस इक्वेशन को देखो तो हमें पता है कि 1 मोल की चाहे कोई भी गैस होगा उसका वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में देखना है तो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब अगर अमोनिया गैस है तो 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो 240 सेंटीमीटर क्यूब अमोनिया गैस जो क्वेश्चन में गिवन है, तो वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखो, 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस का वॉल्यूम कितना होगा, उसको हम कहते हैं एक्स। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 × 240 = x × 24,000। तो x क्या आ जाएगा, 240/24,000। अच्छा ये चीज जो है हम कल जो है बहुत डिटेल में और क्वेश्चंस के साथ जरूर करेंगे, तो टेंशन नहीं लो, ये आ जाएगी समझ। मुझे आइडिया है कि ये मुश्किल है, ठीक है, एक ही बार में फौरन नहीं समझ आती है। अब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस दिया हुआ है ना, उसने दिया हुआ है 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है हमारे पास। अब इससे ना हम 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं। 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वॉल्यूम ऑफ गैस जो 2.5 डेसीमीटर क्यूब है तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितने होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितने होंगे। वैसे जो क्वेश्चन की सीक्वेंस बनती है ना वो तो ये बनती है कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, और उससे फिर आप मास भी फाइंड आउट कर लेते हो इजली, और फिर मॉलिक्यूल भी फाइंड आउट कर लेते हो। लेकिन मैंने उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकाले बगैर ही सारी चीजें निकालना सीख जाओ, उससे हमारा काम फास्ट हो जाता है स्पेशली MCQs में। अगर तुम ये वाली लाइन रिकॉल करो जो कि तुम्हें याद हो जानी चाहिए अब तक, 1 मोल ऑफ एनी एटम हैज अ मास इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास, एंड 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल हैज अ मास इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, एंड 1 मोल हैज 6 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस, डिपेंड्स हम किस चीज की बात कर रहे हैं, एंड 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। तो अब अगर मुझसे वो पूछ रहा है कि वॉल्यूम जो है वो 2.5 डेसीमीटर क्यूब है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का और उसका मास बताओ,
तो अगर मैं ये वाली इक्वेजन यूज करूं जो मैंने नीचे लिखी है ना, और मैं इसमें देखूं कि वॉल्यूम ये है 24 डेसीमीटर क्यूब और मास mr, मतलब अगर कोई भी मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूलर मास के इक्वल उसका मास है तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना करेगा, 24 डेसीमीटर क्यूब। मैं देखो इसको यूं भी कह सकता हूँ कि वन मोल सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होगी ना उसका मास जो होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, और मैं यूं भी कह सकता हूँ कि वन मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होगी तो उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होगा भाई। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अगर है तो उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। देखो ये लाइन लिखी इसीलिए, बनाई इसीलिए मैंने, क्योंकि बीच में इक्वल टू लगाए हुए, मतलब ये सारे आपस में एक दूसरे के भी तो इक्वल हैं। तो मैं डायरेक्टली ये भी तो लिख सकता हूँ कि इफ सल्फर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर अपने मॉलिक्यूलर मास जितनी है तो वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी, 24 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं ये लिख दूं सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो है, पहले वो निकालो जो कि वो आता है सल्फर इज 32 ऑक्सीजन इज 16 तो 2 × 16 ये आता है 64 ग्राम। आई कैन से 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अगर है तो उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, क्योंकि 64 ग्राम मतलब वन मोल, और वन मोल ऑक्यूपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब। तो मैं बीच में मोल्स को लेकर ही नहीं आता, मैं डायरेक्टली मास टू वॉल्यूम का रिलेशनशिप बना देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब, सही है। तो 2.5 डेसीमीटर क्यूब जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसने दी हुई है मुझे, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, मैं रेशियो मेथड यूज कर लेता हूँ। 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो दिया हुआ है उसने, वो कितना उसका मास कितना होगा, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम रखा और मास के नीचे मास मुझे नहीं पता था, मैंने एक्स रख दिया, तो ये हो जाएगा 64 × 2.5 = x × 24 और x वुड बी 64 × 2.5 / 24। अभी बताओ सबको समझ आया है, कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो तो मुझे बताया जल्दी से ताकि मैं रिवाइज कराऊं उसको। मास आ जाएगा 6.67 ग्राम्स। जी बसीर, अमान, हफ्सा, इब्राहिम, जवेरिया, उस्मान, उंजला, हमदान, ताहा, मुनीब, देखो जी हफ्सा, कल जो है वो मोल्स पर ही क्लास होगी, मतलब मोल से क्वेश्चंस करेंगे, यही वाले क्वेश्चन एडवांस पास पेपर वाले क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे खासे करेंगे। इब्राहिम दूसरे क्वेश्चन पार्ट बी से चलो ट्राई करते हैं, फिर दोबारा पार्ट ए पे आते हैं। देखो पार्ट बी कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बताओ, तो आपको पता है कि वन मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 × 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप कहोगे कि पहले मोल्स निकाल लो फिर मल्टीप्लाई बाय 6 × 23 कर दो, ठीक है ये भी सही तरीका है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ज्यादा डायरेक्टली कर लेते हैं इसको। हमें पता है कि वन मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, वन मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होगा, तो मैं डायरेक्टली ये कह देता हूँ ना कि 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होंगे, 6 × 23 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, क्योंकि 24 डेसीमीटर क्यूब किस चीज का वॉल्यूम है, वन मोल का वॉल्यूम है ना, तो मैं डायरेक्टली 24 डेसीमीटर क्यूब है 6 × 23 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ये भी कह सकता हूँ। मैं मोल को बीच में क्यों नहीं ला रहा, मैं बस अपनी अपना स्टेप बचा रहा हूँ और नथिंग एल्स, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे वॉल्यूम गिवन है, सारी गेम मुझे वॉल्यूम के साथ करनी है, तो मैं मोल्स को निकालूं फिर मोल से आगे की चीजें निकालूं एक स्टेप बढ़ जाता है, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं कि 24 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि जो 1 24 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड
तो 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल हैव 6 एक्सपोनेंट 23 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. तो 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होंगे? तो वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम और सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकालने हैं तो वो एक्स. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू एक्स, 2.5 इंटू 6 एक्सपोनेंट 23. तो x would be 2.56 exponent 23 divided by 24. आई बात समझ इब्राहिम? अब आया समझ? ये आ रहा है 6.25 exponent 22 सल्फर डाइऑक्साइड molecules. आखिर में मैंने नंबर ऑफ मोल्स रखा है, हालांकि सबसे पहले ही होना चाहिए. अगर ये पता होता तो मैं पार्ट ए और बी तो फौरन फौरन निकाल लेता. अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है. तुम्हें पता है कि 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब. तो 2.5 डेसीमीटर क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मोल्स होंगे? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 0.104 मोल्स. मतलब अगर मैं पार्ट सी सबसे पहले करता और मैं कहता कि सल्फर डाइऑक्साइड के मोल जो हैं 2.5 डेसीमीटर क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड के जो मोल्स आ रहे हैं वो 0.104 आ रहे हैं, क्योंकि 24 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल होंगे. तो 2.5 डेसीमीटर क्यूब के जो हमारे पास मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.104. तो पार्ट ए और बी करना आसान हो जाता, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाता है. अगर फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन में ना निकलवाए नंबर ऑफ मोल, और वो अक्सर यही कहता है, डायरेक्टली कहता है निकालो, तो आप नंबर ऑफ मोल निकालने से एक स्टेप बढ़ा देते हो. अगर मैं यहाँ पे अब मास निकालने के लिए बोलूँ कि मास बताओ, तो आप कहोगे कि मोल्स पता चल गए, तो मैं वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एम आर. नंबर ऑफ मोल सल्फर डाइऑक्साइड के 0.104 है, मास मुझे निकालना है. सल्फर डाइऑक्साइड का एम आर मैं निकाल चुका हूँ जो कि 64 ग्राम है. सही है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मोल्स तक तो ये तुम्हें आसान लगेगा ये वाला मेथड, लेकिन स्टोशियोमेट्री में आके फंसोगे. तो ये बहरहाल ये आ रहा है 6.67 ग्राम्स. और अगर क्या कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बोले तो तुम कहोगे कि भाई 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में 6 एक्सपोनेंट 23 एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 0.104 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एक्स. तो 6 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 0.104. तो अगेन आंसर वुड बी 6.24 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. समझ आई? मैं डायरेक्ट इसलिए करवा रहा हूं तुम्हें क्योंकि क्वेश्चन में वो हमेशा मोल्स निकालने के लिए नहीं कहता, स्पेशली पेपर वन में वो डायरेक्टली वॉल्यूम देगा, बोलेगा मास बताओ. मेथड कौन सा तुम्हें पक्का करना है? पहला वाला जो मैंने करवाया ना अभी फिलहाल. इस क्वेश्चन को देखो तो आप कहोगे कि दूसरी वाली चीज कितनी आसान है, मोल्स निकाले उससे सब चीजें निकालते गए. अभी फिलहाल ऐसा क्यों है कि मैं पहले वाले मेथड पे फोकस करवा रहा हूँ? क्योंकि जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा ना तुम्हें समझ आ जाएगा कि दूसरे वाले मेथड से फंस जाओगे. पहले वाला मेथड अगर तुम्हें आता है तो तुम कभी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं. सही है, यहां तक बात समझ आई? अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम क्लास एंड कर रहे हैं. कल जो है